अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आई एम अ टीचर ऑफ क्लास K1। आवर सब्जेक्ट इज साइंस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 7, यूनिट नंबर 4, प्लांट्स। लास्ट लेक्चर्स में हमने यूनिट नंबर 4 प्लांट्स की हमने बुक रीडिंग की थी और साथ उसके कंसेप्ट चेक किए थे। अब हम उन सब कंसेप्ट के आगे हम एक्सरसाइज करेंगे, बुक पेज 34 से 37। Let's start the book work. Page number 34, exercises. Question 1, choose the correct answer. हमने लास्ट चैप्टर में भी जैसे किया था कि यहाँ पे आपको डिफरेंट क्वेश्चंस और उनके साथ फोर ऑप्शंस दी गई हैं। इनमें से जो राइट ऑप्शन होगी आपने उसको टिक मार्क करना है। Which of these, question 1 है, which of these is not a part of a plant? इसमें से आपको फोर ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपने बताना है कि प्लांट का पार्ट नहीं है। इनमें से कौन से ऑप्शन? फ्लावर, लीफ, सॉइल, रूट। बताना है कि प्लांट में फ्लावर नहीं होते या लीफ नहीं होता। सॉइल मट्टी आपको पता है जो जिससे बोते हैं, जिसमें बीज को, रूट। इनमें से कौन सा प्लांट का पार्ट नहीं है? सॉइल, ठीक था, सॉइल। मट्टी से प्लांट ग्रो होता है लेकिन वो प्लांट का पार्ट में शामिल नहीं है। What is the name of a plant that grows along the ground? Four options हैं। Along the ground होता है उस plant का आपने name बताना है जो कि ज़मीन के साथ साथ grow करता है। एक तो grow ऊपर की तरफ करते हैं जो बिल्कुल ज़मीन के साथ साथ चलता है। Creeper, peeper, climber, cactus। Creeper होता है जो रेंगता है। Peeper, इसका मीनिंग झांकना होता है, वो यहाँ पे प्लांट के सेंस में कुछ नहीं यूज़ हो रहा। दिस इज क्लाइंबर, क्लाइंबर मीन्स होता है ऊपर की तरफ चलना। एंड दिस इज कैक्टस, कैक्टस मीन ये एक वो थिकी सा थिक सा कांटोदार एक पौधा होता है, प्लांट होता है। सो क्रीपर, क्रीपर जो होता है रिंगने वाला, वो ज़मीन के साथ साथ ही ग्रो करता है। दिस इज योर आंसर। वट इज़ द नेम फॉर अ प्लांट दैट कैन ग्रो अप अ वॉल? अब आपने उस प्लांट के नेम बताना है जो कि ऊपर दीवार के साथ साथ ग्रो करता है, वॉल के साथ। क्रीपर, पेपर, क्लाइंबर, कैक्टस। क्लाइंबर, दिस इज योर राइट आंसर। ये क्लाइंबर होता है, वॉल के साथ साथ ऊपर ग्रो करता है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ फ्रूट? यहाँ पे फोर चीज़ों के नाम देंगे फ्रूट के, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा फ्रूट नहीं है। मैंगो, बनाना, पोटैटो, पपाया। यस, यू नो, आपको पता है कि पोटैटो वेजिटेबल है, खाते हैं शौक से, तो दिस इज़ नॉट अ फ्रूट, दिस इज़ अ वेजिटेबल, सो टेक द पोटैटो। नंबर 5, विच ऑफ दीज वेजिटेबल्स इज द लीफ ऑफ अ प्लांट? अब भी यहाँ पे आपको कुछ वेजिटेबल्स देंगे, इसमें बताना है कि कौन से प्लांट का लीफ होता है, पत्ते जो होते हैं लीफ। स्पिनच, कैरेट, पेपर, पोटैटो। स्पिनच आपने पीछे बुक रीडिंग में भी पढ़ा था, स्पिनच पालक के जो पत्ते होते हैं वो लीफ फॉर्म में होते हैं, प्लांट की लीफ होता है। सो टेक दिस। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, व्हाट डज द प्लांट नीड टू ग्रो वेल? आपने फॉर पीछे ऑप्शंस पढ़ी हुई हैं कि प्लांट को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि वो अच्छे से ग्रो करें। हमने यहाँ पढ़ना है, पीछे पढ़ा था हमने, एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट। ये चार चीज़ें हैं मेन जिसको यूज़, जो हमें प्लांट को बेहतर देंगे तभी प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 35 इज, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द फॉलोइंग थिंग्स इन द टेबल बिलो। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं और नीचे एक टेबल बनाया गया, आपने इसके सेपरेट करना है जो ऊपर लिखा हो। यहाँ पे लिखा है दीज ग्रो, यहाँ पे उन चीज़ों के नाम लिखने हैं इनमें से ढूंढ के जो ग्रो करती हैं। दीज डोंट ग्रो, इसमें उन चीज़ों के लिखने हैं कि जो कि ग्रो नहीं करती, और इसमें लिखना आई डोंट नो कि मुझे नहीं पता कि ये ग्रो करती हैं या नहीं करती। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 है ट्री, ट्री ग्रो करता है या नहीं? यस, दीज ग्रो,
ट्री की हम स्पेलिंग को यहाँ लिख देंगे, ट्री ग्रो करता है. सेकंड है गर्ल, गर्ल ग्रो करती है, यस वो भी आप गर्ल की स्पेलिंग को यहाँ लिखेंगे. हिल, हिल कहते हैं चट्टान को, पहाड़ जैसे छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, माउंटेन बड़े होते हैं, हिल उनसे छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, वो ग्रो करती हैं कि नहीं ये हमें नहीं पता. हिल, आई डोंट नो. इसके बाद है आपका मैट, मैट दीज डोंट ग्रो. इसके बाद हमारा मैट, मैट यहाँ आएगा दीज डोंट ग्रो, मैट जितना है उतना ही रहता है, वो ग्रो नहीं करता. नेक्स्ट है स्टोन, पत्थर, स्टोन डोंट ग्रो यहाँ लिखेंगे. किटन, किटन कहते हैं बिल्ली के बच्चों को, कैट बेबीज उनको किटन बोलते हैं, ग्रो करते हैं यहाँ लिखेंगे. लॉग, लॉग कहते हैं लकड़ी का, अगर ये अपने ट्रंक उसके साथ होता है ट्री के साथ तो वो ग्रो करता है, अगर उसको काट दिया जाता है तो ये ग्रो नहीं करता. और लोग लकड़ी के टुकड़े को कटे हुए जो काट देते हैं उसको बोलते हैं. फिर है फिंगर नेल, जो आपके फिंगर नेल्स हैं जो कि बढ़ जाते हैं, ग्रो होते हैं, आप यहाँ लिखेंगे. शू, शू बढ़ता नहीं है, उसको यहाँ लिखेंगे, डोंट ग्रो. हेयर, हेयर ग्रोथ होती है, उसको यहाँ लिखेंगे. क्लाउड, अब क्लाउड का हमको हमें नहीं पता कि क्लाउड ग्रो करते हैं या नहीं करते, सो राइट हेयर द स्वेलिंग ऑफ क्लाउड, आई डोंट नो मैम. टीथ, टीथ भी ग्रो करते हैं, पहले बेबीज आप देखते हैं, बेबी छोटे बेबीज के बिल्कुल नहीं होते, फिर थोड़े से बड़े होते हैं, फिर उनके टीथ निकल आते हैं, तो टीथ भी ग्रो करते हैं. अब ये क्वेश्चन आपने बाकी पार्ट्स का खुद कंप्लीट करना है. कम टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 4, मार्क दीज सेंटेंसेस विद टिक और क्रॉस. टिक अगर ठीक है तो हम टिक लगा देंगे, अगर सेंटेंस क्रॉस है तो गलत है तो हम उसके आगे क्रॉस कर देंगे. नंबर 1, ऑल प्लांट्स ग्रो टू द सेम साइज, कि सारे प्लांट्स एक जैसे साइज के ग्रो होते हैं, दिस इज क्रॉस. डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट साइजेस और शेप्स के ग्रो करते हैं. Only some plants die, कुछ plants मर जाते हैं, this is wrong sentence. अगर आप उनको कुछ भी नहीं करेंगे, क्या करेंगे, पानी नहीं देंगे तो वो सारे plants die हो सकते हैं. ये नहीं है कि सिर्फ इनमें से कुछ कुछ plants die होते हैं. Plants are living things, plants living things हैं, yes they can move, they can, they cannot move, move नहीं करते, grow करते हैं ये. Plants only need water to grow, प्लांट को ग्रो करने के लिए सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है, दिस इज़ रॉन्ग. हमने 4 चीज़ें भी पीछे लिखी हुई थी कि सनलाइट की, एयर की, वाटर की, सॉइल की, 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है. ट्रीज कैन प्रोवाइड शेड, ट्रीज हमें शेड कहते हैं, छाँव भी देते हैं, दिस इज़ टिक, ठीक है. ये आपने पेजेस को अभी अपने अच्छी तरह देखा, इनको आपने मेरे साथ साथ सॉल्व भी करना है. नाउ कम टू द पेज 36, क्वेश्चन 5, लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स दी गई हैं आपको दो ट्रीज की. टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू ट्रीज, इन दोनों ट्रीज के आपने डिफरेंस बताना. डिफरेंस अब क्या है इसको आप ध्यान से देखें, आपने पढ़ा भी है ये. दिस इज मैंगो ट्री, दिस इज कोकोनट, डेट्स जो भी है इनमें. अब डिफरेंस ये है कि ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग ट्री है. इसके लीव्स स्मॉल हैं एंड इट्स लीव्स आर बिग, लार्ज लीव्स. इसके लीव्स की शेप होती है मैंगो ट्री के, आपने देखे हैं, स्मूथ होता है इसका, इसका होता है स्पाइकी और इसका थोड़ा सा इनके कर्व होते हैं. ये आपने इनको देखना है और इनके और भी डिफरेंसेस देखने हैं कि इनमें और क्या डिफरेंस है. क्वेश्चन नंबर 6, What will happen if you plant a seed, keep it in a dark corner and do not water it? कह रहे हैं कि क्या होगा if you plant a seed, कि आपने एक सीड को, आपने एक बीज को बोया, पौधे का बीज लगाया, keep it in a dark corner, उसको एक अंधेरी जगह पर कोने में रख दिया and do not water it, और आपने उसको पानी भी नहीं दिया, तो क्या होगा उस पौधे के साथ? Yes, it will डाई, मर जाएगा.
क्योंकि देखें मुरझा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वो, जब आप उसके फोर चीज़ें मेन उसको ग्रो करने के लिए ज़रूरी हैं, वाटर, सॉइल, सनलाइट एंड एयर। अब हम जब उसको एक अंधेरे में रख देंगे, उसके पे सनलाइट भी नहीं पड़ेगी, हम उसको वाटर भी नहीं देंगे, उसको हवा भी नहीं लगेगी, तो क्या होगा कि वो पौधा मुरझा जाएगा, वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, इट विल डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू मैच द फ्रूट्स टू दीज बिलो, कैन यू मैच द फ्रूट्स टू द ट्रीज बिलो। सेंटर में आपको फ्रूट्स दिए गए हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, और यहाँ पे आपको उसके ट्रीज दिए गए हैं। हर पिक्चर पे ट्री पे उसका फ्रूट लगा हुआ है, आप इसको इजीली मैच कर सकते हैं। मैं आपको एक करके बता देती हूँ। नंबर वन है एप्पल, ये ट्री पे एप्पल लगे हुए हैं, सो दिस इज एप्पल ट्री, मैच इट विद द लाइन। बनानास, मैच इट विद द बनाना। मैंगो, ये है मैंगो ट्री एंड दिस इज ऑरेंज ट्री, ये आपने लाइन्स की मदद से आपने इन क्वेश्चन को मैच करना। कम टू द पेज 37, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8, सर्कल द ओड वन इन ईच लिस्ट। आपको यहाँ पे कुछ लिस्ट, कुछ चीज़ों के नेम्स बताए गए हैं, आपने इसमें से ओड वन होता है कि जो सबसे डिफरेंट है, आपने उसको लिस्ट आउट करना है। नंबर वन है बनाना, एप्पल, रोज, पपाया, पियर। यहाँ पे आपको फाइव आपको कुछ फ्रूट्स नेम दिए हैं और एक इसमें से डिफरेंट है जो कि फ्रूट नहीं है, आपने उसको सर्कल करना है। बनाना इज़ अ फ्रूट, एप्पल, पपाया एंड पियर, दीज आर फ्रूट्स, बट रोज इज़ अ फ्लावर, सो दिस इज ओड, वी सर्कल द रोज लाइक दिस। ग्रास, जैस्मिन, वॉल, कैक्टस, बुश, ये आपको कुछ प्लांट्स के नेम है और इनमें से एक ऑड है, डिफरेंट है, जो कि बीच में एक्स्ट्रा है, आप उसको सर्कल करना है। ग्रास, जैस्मिन, ये फ्लावर नेम है, वॉल दीवार को बोलते हैं, कैक्टस प्लांट नेम है, बुश, सो वॉल इज एन ओड, वॉल में इसमें इनका कोई इसमें लिंक नहीं है। नंबर थ्री, लिव, डाई, ग्रो, सिंग। लिव मतलब जिंदा रहना, डाई मर जाना, ग्रो बड़े होना, सिंग गाना गाना। इनमें से ये सब प्लांट्स के लिए हैं एंड द सिंग इज ऑड, ये ऑड है, डिफरेंट है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, टेल योर टीचर इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग थिंग एंड अ नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में आपने डिफरेंस बताना है अपनी टीचर को। अब मामा को बताइए, आपको मैंने पीछे अच्छी तरह फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि लिविंग थिंग्स क्या हैं और नॉन लिविंग क्या हैं। मैं फिर बताती चलूँ, लिविंग थिंग्स जो इजीली मूव कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं, खा सकती हैं और ब्रेथ यानी कि सांस ले सकती हैं, दीज आर लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स जो कि ना मूव कर सकती हैं, ना ही खा सकती हैं और ना ही अपनी मर्जी से इधर उधर जा सकती हैं और ग्रो भी नहीं करती, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल हम लोग हैं, इंसान हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, बेबीज हैं। और नॉन लिविंग में आपके कोई भी चीज़ जैसे बुक है, कॉपी है, टेबल, पेंसिल और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ना सांस लेती हैं ना ग्रो करती हैं, वो सारी आपकी नॉन लिविंग है। आप उसके अलावा भी अगर आपको वो डिफरेंस मिलता है, आप उसको भी लाजमी फाइंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर टेन है, ड्रॉप ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्रूट्स और फ्लावर्स ऑन दिस ट्री। आपको ट्री का एक ट्रंक बना के दिया गया है, हाफ ट्री है, ट्रंक जस्ट दिया हुआ है और उन्होंने कहा इस पर आपने ब्रांचेस भी बनानी है, उसकी शाखें बनानी है, लीव्स बनाने हैं, फ्रूट्स या फ्लावर्स बनाने हैं और इस ट्री को आपने कंप्लीट करना है। सो ड्रॉ विद मी, आपने इसको इसकी या आपने इसकी लाइक इसकी आपने ऐसे इसको आपने इसकी ब्रांचेस को डिफरेंट शेप में आप इसकी ब्रांचेस को बना सकते हैं। स्ट्री को आप जो बजी शेप दें इसको अपने साथ साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपने बाद में इसको ब्राउन कलर कर लीजिएगा ट्रंक को पूरा, ये इसकी ब्रांचेस। इसके बाद आपने इसको ट्री को
ठीक, आप कुछ भी शेप उसको, जैसे आप ये है प्लांट की, आप ये दे सकते हैं लीव्स इसके, आप डिफरेंट यहाँ पे अंदर डिफरेंट जगह आप इसके लीव्स बना सकते हैं। आप इसको फिल कीजिएगा ऐसे लीव्स बना के। फिर आपने अगर एप्पल ट्री बनाना है तो आप उसके एप्पल्स बना दीजिएगा यहाँ पे। अगर आपने इसको फ्लावर ट्री बनाना है तो फ्लावर, इसके फ्लावर्स भी बना सकते हैं आप। आपने ऑरेंज ट्री अगर बनाना है तो आप सारे एक ही फ्रूट रखिएगा, ठीक, लाइक दिस। आप इसके यहाँ पे प्लांट लीव्स भी डिफरेंट जगहों पे आप इसके लीव्स बना दीजिएगा। इसको आपने ऐसे कंप्लीट करना है। आप फ्लावर्स भी बना सकते हैं और जैसा आपका दिल करता है आप इसको करके कंप्लीट करके इसको कलर्स कर लीजिएगा। आई होप आपके पेजेस ख़त्म समझ आ गए होंगे। आपने इनको जैसे मैंने बताया इनको मेरे साथ ही ऐसे आपने सॉल्व करना है और कंप्लीट करना है अच्छी तरह समझ के। घर पे रहिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।